नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैन कार्ड की नई सर्विसेज। जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें हम कैसे अपनी आईडी को एक्टिव करेंगे, कैसे उसमें हम पैसे डालेंगे, वो पूरा प्रोसेस हम आपको विस्तार से समझाएंगे। इसके लिए आपको वेबसाइट खोलनी है psaonline.utiits, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको सिंपल जाना है, अपना आईडी डालना है, पासवर्ड जो दिया जाएगा बाय डिफॉल्ट आईडी और पासवर्ड सेम रहता है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे एक पेज आएगा जिसमें आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा। इंटर ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद कोई भी अपना नया पासवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नया पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें, पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज होने के पश्चात आपको फिर से लॉगिन करना है नए पासवर्ड के साथ। आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट कर देंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलेगा। पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से फिल होगी, कुछ आपको फिल करना है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के पश्चात आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें अपना जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो डालना है, सबमिट करना है। आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको न्यू पैन 49A, चेंज करेक्शन CSF, फॉरेन सिटीजन का F49A, पैन आधार लिंक करने का भी ऑप्शन है, पैन ऑब्जेक्शन जो भी जाएंगे वो उस पैन ऑब्जेक्शन वाले कॉलम में मिल जाएंगे। और इसमें एक MIS का ऑप्शन है। MIS के ऑप्शन जो हम जाएंगे तो वहां पर जाके पेमेंट सबमिट करने का ऑप्शन है। अब हम यहां पर MIS पर क्लिक करेंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन आएगा पेमेंट डिपॉजिट टू HO, इस पे जब कर्सर रखेंगे नेक्स्ट लाइन खुलेगी, इसमें पेमेंट डिपोजिशन का ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। पेमेंट रिक्विजिशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में हम जिस मोड से भी पेमेंट डाल रहे हैं उसका अमाउंट डालेंगे और उसका रिफरेंस नंबर डालेंगे। सपोज UPI से डाल रहे हैं तो उसमें UPI में जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अमाउंट फिल करेंगे और रिफरेंस नंबर फिल करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फिजिकल कूपन जैसे 107 का होता है, आपको 107 रुपया ही पर पैन कार्ड भरना है, भले ही आपको जो भी अमाउंट दिया जा रहा हो हमारे से 98, 99, 100, 104, 102 जो भी दिया जा रहा हो, लेकिन आप इसमें 107 ही भरेंगे। इसको ऐसे समझेंगे कि हम इसमें आपको कमीशन इन एडवांस दे रहे हैं। एडमिन को अप्रूव किया जाएगा, आपके पैन के वॉलेट में पैसा आ जाएगा। जब भी आप पैन कार्ड से अप्लाई करेंगे उसमें आपका प्रति पैन कार्ड 107 रुपया डिडक्ट होगा। बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। धन्यवाद।